नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे YouTube चैनल पर सीखो हिंदी में। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, हमारे पास यहाँ वीवो का एक मोबाइल अवेलेबल है। इसका मॉडल नंबर है Y95। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ इसका जो है टॉकबैक लॉक लग गया है। देखिए, जैसे कि आप देख रहे हैं, जब भी हम स्क्रीन टच कर रहे हैं तो ये कुछ ना कुछ बोल रहा है। और जो है टच भी प्रॉपर वर्क नहीं कर रही है, इसमें जो हमारा टच काम नहीं करता है। इसमें जो टच जो है डबल फिंगर से काम करता है इस तरीके से। अगर आप सिंगल फिंगर से टच करेंगे, ये देखिए, कुछ भी वर्क नहीं करेगा, कोई ऐप आपका ओपन नहीं होगा। ये देखिए, तो इसको जो है डबल टैप करके आपको ओपन करना पड़ेगा, तब आपको कोई भी ऐप काम करेगा। लेकिन बहुत से लोग सोचते हैं कि हमारी टच में प्रॉब्लम हो गई है, सॉफ्टवेयर होगा, फ्लैश होगा। तो मैं आपको बताऊंगा इसको आप कैसे हटा सकते हैं बिना अपने डाटा को इरेज करे, बिना अपने फ़ोन को फॉर्मेट करे, बिना अपने फ़ोन को हार्ड रीसेट करे, और बिना किसी डाटा को लॉस्ट करे आप इसको जो है बड़े इजीली तरीके से हटा सकते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए आपको कुछ सिर्फ सिंपल से स्टेप्स फॉलो करने हैं, तो बने रहिएगा मेरे साथ। सबसे पहले आपको क्या करना है, दो फिंगर का यूज़ करना है। दो फिंगर की मदद से आप जो है सेटिंग को पहले ये है, ये देखिए सेटिंग, इसको ओपन कर लेंगे। फिर इस डबल फिंगर से जो है स्क्रॉल ऊपर करेंगे। इसको ऊपर करने के बाद जो है इसमें आप आएंगे मोर सेटिंग्स पे। ये मोर सेटिंग्स आए, इस पर डबल टैप कर देना आपको। फिर आपको आना है इसमें एसेसिबिलिटी, सबसे लास्ट में यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एसेसिबिलिटी लिखा है। ये हमने एसेसिबिलिटी पे क्लिक कर दिया है। यहाँ पे जो दिख रहा है टॉक बैक तो ऑन यहाँ पे लिखा है, आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे लिखा है टॉक बैक ऑन, तो इसको आपको ऑफ कर देना है। या आप यहाँ है टॉक बैक ऑफ, तो यहाँ पर टॉक बैक वाला ऑप्शन ओपन कर लिया है। अब इसका जो यहाँ पर ब्लू दिख रहा है, आपको यहाँ पर क्लिक करना है, इसको डबल टैप कर देना है, और यहाँ पे आपको ओके क्लिक कर देना है। ये देखिए दोस्तों, आपका जो है टॉकबैक ऑफ हो गया है। अब आपका जो है टच प्रॉपर एक बार में जो भी आप जिस पे भी क्लिक करेंगे एक बार में ओपन होगा, एक बार में क्लिक होगा, सही से चलने लगेगा। और इससे दोस्तों आपका जो डाटा भी रेज नहीं हुआ और बहुत ही ईजिली तरीके से आपको जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। थैंक यू फ्रेंड्स।